डियर uh, स्टूडेंट्स uh, मुझे आपसे पोजेसि के बारे में बात करनी है पोजेसि शोज़ ओनरशिप यानी हम किसी चीज़ की ओनरशिप शो करने के लिए हम उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं दे शोज समथिंग बिलोंग्स टू समवन आर समथिंग इन अदर वर्ड्स दे पोजेस समथिंग यानी वो कोई चीज़ किसी चीज़ की मलकियत रखते हैं

लड़की का कोट द बोन बिलोंग्स टू द डॉग द डॉग्स बोन द पेंसिल बिलोंग्स टू द टीचर द टीचर्स पेंसिल यानी टीचर के बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया और एस तो इस तरह ये आपकी मतलब है आप इसको एक्सप्रेस करते हैं पोजेसिवनेस शो करते हैं किसी नाउन की कोई चीज मलकियत हो तो उसको जाहिर करते हैं द जंप रोप बिलोंग टू द स्टूडेंट्स अब यह प्लूरल है स्टूडेंट्स की बात है द स्टूडेंट्स अब इसमें डिफरेंट अंदाज में कॉमा यूज किया अप्राफी यानी एस के बाद इसको कॉमा लगा तो जम्प रोप्स अब इसके जो रूल्स हैं हम इसको देख लेते हैं ये कैसे हैं द पोजेसिव ऑफ अंगर नाउन आ, एन एड एन अपोस्ट्राफी एंड एस जैसे कि ब्रैकेट में आपको शो भी हो रहा होगा सो कार कार्स अच्छा रूल नंबर टू एंड थ्री क्या है द ऑफ अ प्लूरल नाउन एंड्स इन एस लोअर लेवल पे आप इस देख रहे हैं कॉमा एपोस्ट्रोफी एंड एड ओनली एपोस्ट्रोफी जैसे डॉग्स डॉग्स का या बॉय boy, जैसे बॉयज कोर्ट की मैंने बात की थी या बॉयज बुक्स की तब बॉयज बुक्स तो लड़के की किताब टू फॉर्म द पोजैसिव ऑफ अ प्लूरल नाउन दैट डज नॉट एंड इन द एस एड द पोस्ट्रोफी इसमें क्या करना है कि एस के बाद उसके यानी प्लूरल के बाद पोस्ट्रॉफी लगाएगा लगाया जाएगा जिससे वो उनकी वो नजर आएगी उनको पता चल जाएगा कि ये प्लूरल की पोजेसिवनेस को शो कर रहे हैं आ,

तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और हम इसको प्लूरल इनकी पोजेसिवनेस के लिए जो मैंने आपको रूल्स बताए कि किस तरह हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इनके हम पोजेसिवनेस शो करते हैं तो ये थे जो पोजेसिवनेस के बारे में मैंने आपको बयान किया